आज की इस वीडियो में पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स एक्सेट्रा, ये सारे के
यूजफुल इन द आपके प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या चीज है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लस और क्या करते हैं माइनस, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, लॉस को क्या कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए जो क्लोजिंग एंट्रीज हम करेंगे उसके बारे में भी अपन समझते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनको क्लोज किया जाएगा एट द ईयर एंडिंग, और इनको क्लोज किससे करेंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जो डायरेक्ट आपके एक्सपेंडिचर्स थे उसको अपन ने क्लोज किया था किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से, और ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको अपन किससे क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो पहली जो अपन इसमें एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लोजिंग एंट्री, उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम आगे अभी चैप्टर में समझेंगे, क्लासिफाइड करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, इन सब को अपन ट्रांसफर कर देंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन सब डेबिट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू लॉसेस अकाउंट। अब इसके अपोजिट आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर क्या आएगी, इनडायरेक्ट इनकम्स के अकाउंट आएंगे, या बिजनेस को किसी प्रकार का प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के अकाउंट को मेंशन किया जाएगा, और इस प्रॉफिट और इनकम का जो इनडायरेक्ट इनकम का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस है, और जब इनको क्लोज करेंगे तो उसको क्लोज करने के लिए क्या किया जाएगा, इन इनकम अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन सा, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट आएगा हमारे पास, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा डेबिट साइड में वही कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट में, और इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर कहां से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड से अपन लेके जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके अपोजिट आपके अगर मान लो बिजनेस के अंदर नेट लॉस होता है, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो उस केस में लॉस होगा, क्रेडिट साइड के अंदर जो बैलेंस आएगा वो नेट लॉस है, और इस नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस कर।
को अपन मेंशन करेंगे इनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। पहली कैटेगरी जैसा कि आपको मैंने बताया था ऑफिस